क्या आपको भी हेयर फॉल परेशान कर रहा है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा हेयर ऑयल इस विंटर सीजन में लगाएं? तो आइए मैं बताती हूँ। तो आपको चाहिए होगा सेसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यूनानी मेडिसिंस में यूज़ होता है। इस्लामिक कल्चर में तो इसको कहा गया है मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है कलौंजी सीड्स में। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल होगा। दूसरा है फेनुग्रीक सीड्स। ये हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं होने देगा और हमारे डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करेगा। मैंने लिया है मेथी दाने और कलौंजी दाने। अब हम इनको दरदरा कूट लेंगे। बहुत पाउडरी नहीं करना है, बस हल्का दरदरा कूट लेंगे। अब ये कूट चुका है, देखिए इतना दरदरा हमको चाहिए था। हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैंने लिया है एक कांच का जार जिसमें मैं ऑयल्स डालूंगी। तो मैंने लिया है सेसमे ऑयल, क्योंकि हम विंटर्स के लिए ऑयल बना रहे हैं। अगर हम समर्स के लिए बना रहे होते तो यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल लेते, पर विंटर्स में कोकोनट ऑयल जम जाता है, आप सभी जानते हैं। तो हमने लिया है तिल का तेल। फिर हम इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप सभी जानते हैं कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, पर ये थोड़ा थिक होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे। 3:1 की क्वांटिटी होनी चाहिए। दोनों ऑयल्स को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अपना मेथी दानों और कलौंजी दानों का जो मिक्सचर कूटा था उसको इन ऑयल्स के अंदर। अब हमारा ये ऑयल रेडी है। इसको 1-2 हफ्ते के लिए रोज़ धूप में रखिएगा। उसके बाद एक कपड़े या छन्नी की हेल्प से इसको छान लीजिएगा और यूज़ करिएगा नॉर्मल ऑयल की तरह। एंड बिलीव मी, वापस आके आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, हेयर ग्रोथ होगी, बाल लंबे होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।